अभी क्या हुआ, हम लोग अभी यहाँ से सो के उठ के निकल गए हैं, सीधा जाना है पब को क्योंकि अभी बज रहे हैं 12, तो बहुत लेट हो गया, इवेंट भी ख़त्म हो गया ड्रीम हैक का। तो सॉरी गाइस, ड्रीम हैक तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन मैं दिखाऊंगा सीधा आपको पब पर, जहाँ पर सारे क्रिएटर्स अपनी पार्टी कर रहे हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो सारे क्रिएटर्स वहाँ पर होंगे, मैं सबका आपको दिखाऊंगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लिया। तो चलो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। 2 hours later. हम यहाँ पर आ चुके हैं पब पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई अंदर पार्टी वगैरह चल रही है। तो हम पहले ही आ गए थे, लेकिन थोड़ा सा क्या है सेट हो गया, इंटरव्यू वगैरह चल रहा था सबकी, तो हम यहाँ पर अभी आ गए और यहाँ पर सबका इंटरव्यू वगैरह चल रहा है और मजाक हो जा रहा है। तो अभी अपन पीछे आगे बढ़ जाते हैं, जगह फुल हो गई, ऊपर ऊपर जाके आ गए अपन और जगह फुल हो गई। जब तक बहुत सारे सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पर और अपने तो गाइस हमें भी यहाँ पर मिल चुका है वीआईपी बैंड, जो यहाँ पर दिखा के हम आ सकते हैं अंदर। तो ये वीआईपी बैंड दिखाने पर ही आपको अंदर आने दिया जाएगा, जो कि सिर्फ क्रिएटर्स को मिलता है यहाँ पे। तो ये सारे क्रिएटर्स हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पर चल रहा है कुछ सवाल वगैरह। चलो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं पब पूरा। यहाँ पर आप देखो ऊपर कौन है, लोकेश भाई और एयर भाई है एंड यहाँ पर भाई है भाई। लो लोकेश भाई, हैपनिंग पॉजिटिव हैपनिंग, व्हाट डू यू हैव टू से द कमेंटर। तो भाई का यहाँ पर अभी इंटरव्यू चल रहा है और लोकेश भाई भी अभी इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो अभी मैं एनिग्मा पर, तो एनिग्मा क्लब है क्लब का नाम, जो कमेंट भाई जबरदस्त इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे आप, कैसा कमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अच्छे से, लाइक आई लव माय पीपल, आई लव माय सब्सक्राइबर्स, जो अच्छा बोलते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो बुरा बोलते हैं उनके लिए भी अच्छा है। समवन इज सेइंग यू टू आपको ऐसा टैलेंट आया या नेचुरली है, इट्स ऑल नेचुरली, ऐसा कुछ नहीं क्या बोलूं मैं, व्हाट शुड आई से, इट्स नेचुरली, आई मीन एक्टिंग तो आती नहीं मेरे को, सो इट्स ऑल नेचुरल, एकदम ऐसा अंदर से आता है, जैसा डकार आते हैं ना वैसा। भाई डकार इतनी स्वीट तो नहीं आती किसी की, बट एनीवे यार ये चश्मा कितने का ये बताओ, नहीं चश्मा मैं मान ही नहीं सकता कि यार मैं कुछ नहीं, मैं ये थोड़ा सा ऐसा होता है जब आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिएटर बन जाता है, व्हेन समबडी ओन्स अ लॉट ऑफ मनी, क्या है यार चश्मा 50,000 का चश्मा है, क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा महंगा नहीं, बस 30,000 का, बस 30,000 का है, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। हाँ बैठे बैठे तो बहुत भूख लग रही थी, तो अभी हम लंच के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे बैठ के हम लंच कर रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सीन, बहुत सारे लोग उधर बैठे हुए हैं। बीच में देखो आप सभी का फेवरेट आदर्श, आदर्श है बीच में बड़ा हुआ। तो चलो भाई लंच करेंगे अपन, सामने गेमर्स है बैठ के लंच कर रहे हैं, दोनों लंच कर रहे हैं हम लोग। अच्छा मैं भयानक, वैसे नाम क्या आपका, अरुण श्रीकांत मा शेट्टी, तो सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, आप करते क्या हो भाई, और ये खिलाता हो, कौन सी गेम खेलते हो, क्या के? सारे गेम खेलता हूँ और सारे गेम खिलाता भी और कमेंट्री भी करता हूँ। अच्छा हाँ जी, ऑन दी स्पॉट कुछ भी आया, अचानक से आया तो हम भयानक कर देते हैं। तो बिग बॉस में परफेक्ट है भाई, यहाँ पर 30 साल से क्या
यहाँ पर अरुण भाई को सपोर्ट करने के लिए उनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है, सारे क्रिएटर्स को दिखाया जा रहा है कि अरुण भाई को सपोर्ट करना है बिग बॉस में, तो अरुण भाई की स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं सारे क्रिएटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामने भी पूरे क्रिएटर्स ही है। ये जो भी देख रहे हो आप सारे क्रिएटर्स हैं, जिनके भी हाथ में भाई VIP बैंड होगा वो क्रिएटर है, तो सारे क्रिएटर ही। यहाँ पर सारे ग्रेटर्स की पार्टी हो रही है और सलीम भाई पूरे ग्रेटर्स से ऊपर ही है, एंजॉय कर रहे हैं। इट्स पार्टी टाइम गाइस। ऑलमोस्ट पार्टी खत्म पे है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और दिलबी गेमर भाई इधर है, राहुल गेमिंग उधर कोने में, बीच में बॉस गेमिंग है। तो अभी पार्टी खत्म पे है गाइस, सब एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना जगह पे, जबरदस्त पार्टी है। पर है धनु भाई की हयाबुसा। चलो भाई धनु भाई स्टार्ट करो बस। ये है मलाई बन, हैदराबाद की सबसे बेस्ट चीज। क्या है भाई हेल्पिंग गेमर भाई, कैसा दिखा आपको? लल्लन टॉप भाई। आपको कैसा दिखा भाई लोग? एक उन्होंने बोला लल्लन टॉप भाई। लल्लन 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 टॉप जबरदस्त है ना। लल्लन टॉप बोलते हैं। कल बिरयानी भी पसंद आ गई, अब ये भी पसंद आ गया। आप अब और क्या, आप और कहाँ जाना चाह रहे हैं हैदराबाद में? आप अच्छा जाएंगे, चलो अपन फिर भी गए, चलो निकलेंगे। अभी होटल को करते हैं बाइक क्योंकि पूरा इवेंट खत्म हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो पूरा इवेंट हो गया गाइस, क्या हुआ वो प्लान जो बना था सरफराज भाई वगैरह के साथ, तो वो तो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उन लोग को भी जाना है, उन लोग को भी निकलना है क्योंकि टाइम हो चुका है, इवेंट भी ख़त्म हो गया। तो अभी हम यहाँ से सीधा घर को जाएंगे और मिलते हैं सीधा घर पे। तो चलो मैं आ चुका हूँ अपने घर। तो भाई यहाँ पर मैंने दो वीडियोस अपलोड करके रखी हैं, ये है डे वन का व्लॉग और ये है डे टू का। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी प्रेजेंट आप जो वीडियो देख रहे हो वो आपको समझ नहीं आएगी, और अगर आपने ये वाला नहीं देखा तो आपको ये नहीं समझ आएगा। तो ये दोनों भी जाके ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये तीसरा व्लॉग फिर से देख लो, तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या था, ठीक है? तो बहुत ही मज़ा आया और इसके साथ बहुत ही अच्छी खासी यादें बन चुकी है मेरी। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इवेंट जो है बहुत ही यादगार है मेरे लिए। तो बहुत मज़ा आया गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं इवेंट में जा पाया। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे इवेंट पे, तो एक यादगार इवेंट बन गया और बहुत सारे क्रिएटर से मैं वहाँ पर मिला, बहुत ही इंजॉय करा गाइस। सच में मैं भूल नहीं सकता, उस मेमोरीज बन गए, वो अच्छे खासे दिल में एक जगह बन गई उसके लिए। तो आप लोग ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहो, हम हैदराबाद नहीं हैदराबाद के बाहर भी इवेंट्स में जाएंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, तो चलो मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैश ऑन फायर।